बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से हम लोग भी खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का मैं ब्लॉग शुरू करने जा रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं अल हराम सेंटर, तो उधर जाके थोड़ा सा गिफ्ट विफ्ट खरीदना था और थोड़ा सा अपने लिए भी सामान खरीदना, तो सोचा चलते हैं और आप लोगों से शेयर भी कर लेंगे वीडियो। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अल हराम सेंटर और इधर गेट नंबर 2 की तरफ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं हम लोग, ये गेट नंबर 2 है और इस तरफ ही हस्बैंड ने गाड़ी पार्किंग किया, तो सोचा इस तरफ से अंदर चले जाते। तो हम लोग इधर अभी अंदर जाके आप लोगों से शेयर करेंगे क्या क्या है और क्या आप लोग उधर जाके ख़रीद सकते हैं अल हराम सेंटर में। माशाल्लाह से बहुत सारा ही ऑप्शन है, सब कुछ इतना सारा अवेलेबल है, इतना बड़ा है, 2 फ्लोर का है। तो ये देख सकते हैं इतने सारे शूज़ और ये लेडीज़ चप्पल और ये हर चीज़, इतना सारा हर, मतलब आप लोग पर्स ख़रीदने जाए, शूज़ ख़रीदने जाए, कोई भी चप्पल ख़रीदने से या कुछ भी ख़रीदे, स्पोर्ट्स शूज़ ख़रीदे या रनिंग शूज़, कुछ भी बच्चों का या बड़ों का, लेडीज़ का, इतने सारे ऑप्शन हैं। आप लोग आए तो उसमें कोई ना कोई चीज़ तो पसंद आ ही जाती है। अब लेने जाए एक चीज़ तो 2-3 ही उठाना हो जाती। तो मैं एक्चुअली आज ख़ास करके जीनत के लिए एक अबाया लेने आई थी, क्योंकि ईद के टाइम जीनत को एक वाइट अबाया चाहिए थी बहुत दिनों से। मैंने एक दो जगह में देखा था उसको, कभी डिज़ाइन पसंद आती, कभी ये, कभी वो नहीं पसंद आया, ऐसे करके बहुत दिनों से ही ख़रीदना हो नहीं रही थी।
तो सोचा आज मैं उधर थोड़ा सा मुझे एक दो गिफ्ट भी खरीदना था, और सोचा अबाया भी देख लूँगी जिनात का, तो इसी वजह से ही, और आप लोगों से वीडियो भी शेयर करना हो जाएगी, तो इसी वजह से ही मैं आज आई हूँ इधर। तो ये देख सकते हैं, मतलब मैंने एक्चुअली वो जो अबाया है ईद के टाइम एक हरम सेंटर में, बहुत सारा ही दिक्कत था उस टाइम में, बहुत सारा ऑप्शन थी, लेकिन मैंने उस टाइम पे उसके लिए दूसरे कलर का ले लिया था, और उसको भी इतना इरादा नहीं थी कि अभी व्हाइट कलर का अबाया ले, लेकिन बाद में उसको वही घर आने के बाद उसको दिल था कि व्हाइट ले लेते, तो ये वजह से मैंने सोचा चलो देख लेंगे आज। तो ईद के टाइम मैंने देखा था बहुत सारे ही है इधर, लेकिन वही बहुत मतलब अच्छा खासा ही डिज़ाइन था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट टाइप का दिख रही थी, तो मुझे लगा कि चलो रहने देते, और उस टाइम उसको भी दिल इतना कोई ख़ास नहीं था व्हाइट अबाया ख़रीदने का। तो आज आई हूँ तो देखते हैं मिलती है क्या। अब ये नीचे का फ्लोर हम लोग अच्छे से देख के ख़त्म कर लेंगे, अपनों क्या चाहिए क्या नहीं, और फिर ऊपर जाएंगे तो आप लोगों से शेयर करेंगे अबाया वगैरह। अबाया भी माशाल्लाह बहुत सारा ही ऑप्शन है, बहुत नया डिज़ाइन भी है, डिफरेंट कलर भी है। तो चलिए मेरे साथ में रहिए। तो अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं, ऊपर राइट की तरफ मेन का है और ओमेन की लेफ्ट की तरफ है, तो हम लोग अभी देखेंगे ओमेन के लिए मतलब ओमेन की तरफ क्या चाहिए और क्या नहीं, कुछ पसंद आती है क्या। तो ये देख सकते हैं अंदर स्टार्टिंग में ही आते ही ऊपर उधर ठंडी का कपड़ा है, जैसे विंटर, इतने सारे विंटर कलेक्शन आई है, नया है और थोड़ा सा पहले का भी है डिज़ाइन। और उसमें अल हरम सेंटर में वही कोई बड़े महल में कभी कभी जाए तो अक्सर ज़्यादा जैसे हर चीज़ों में ही थोड़ा बहुत स्पेशल ऑफ़र रहती है और न्यू डिज़ाइन भी अवेलेबल रहती है, तो आप मिला जुला के कुछ भी खरीद से अपना पसंद का, अपने हिसाब से अपना जैसे प्राइस चाहिए पसंद आए जो वो ख़रीदे। तो इस वजह से मुझे एक्चुअली ये अल हरम सेंटर में हमेशा से ही मुझे शॉपिंग करना अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें मुझे हर प्राइस का ही मिल जाती है, और कभी कभी जैसे ईद वगैरह कोई ओकेशन हो तो हाई प्राइस के भी अपना लेने का दिल होता है, कभी डिस्काउंट का, जैसे थोड़ा घर में पहने इधर राफिज़ के लिए इस्तेमाल करें तो उसमें थोड़ा ऑप्शन भी रहती है तो प्राइस का। तो इस वजह से मैं अक्सर ही जाती हूँ, और अक्सर ही जाके ये ख़रीदना हो जाती है, कुछ एक लेने जाए तो दो तीन ख़रीदना हो गया, ऐसे भी होती है।
लेकिन अभी तो कोई ईद वगैरह और कुछ ऐसे कुछ खास मौका नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वही मैंने कहा था ना, थोड़ा सा मुझे मतलब गिफ्ट वगैरह चाहिए, मतलब वो भी थोड़े दिन बाद, अभी फ़िलहाल के नहीं है। नहीं, मैं सोचा जा रही हूँ तो देख लेते, साथ में कुछ मिलती है तो ले लेंगे। तो ये देख सकते हैं सब लेडीज़ है इधर, और इसमें बहुत सारा, जैसे अभी विंटर आने वाले है तो विंटर मतलब स्टार्ट हो ही गई है विंटर, तो विंटर के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है हर तरफ से, मतलब हर तरह की, जैसे आप चाहे जैसे पसंद है इसी टाइप का। तो अभी हम लोग एक्चुअली नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर के फ्लोर का जो शॉपिंग था और ये देखना था वो मैंने ख़त्म कर लिया है। तो तकरीबन 11:30 हो चुकी है अभी रात की, तो अभी हम लोग घर जाके आप लोगों से शेयर करेंगे क्या ख़रीदा और कैसे प्राइस थी। तो ये देख सकते हैं हम लोग गेट नंबर 2 से ही अंदर आए थे, तो एग्ज़िट भी उधर ही से ही कर रहे हैं, और अभी घर जाके आप लोगों से बताती हूँ मैंने क्या ख़रीदा। एक्चुअली मैंने गिफ्ट के लिए जो ख़रीदा वो आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो अच्छी भी नहीं लगती, और ये गिफ्ट भी मुझे 1-1.5 महीना बाद देना है, और एक गिफ्ट तो अभी फ़िलहाल ही देना है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसे अजीब लगती है। तो ये मैं बाद में आप लोगों से, जैसे मेरे फ्रेंड के लिए जो ख़रीदा वो मैं बर्थडे प्लान करूँगी, तो मैं उस टाइम में आप लोगों से शेयर कर लूँगी ज़रूर। तो ये देख सकते हैं हम लोग बाहर आ चुके हैं और अभी घर भी पहुँच चुके हैं, तो आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ मैंने क्या ख़रीदा। जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने एक जन्नत के लिए अबाया ख़रीदने के लिए चाह रही थी वाइट कलर का, तो ये देख सकते हैं ये वाइट कलर का एक अबाया लिया है मैंने, ये 85 रियल का है और बहुत ही सॉफ्ट कंफर्टेबल कपड़ा है, और इसके सेम कलर का एक शेवन में जैसे स्कर्फ भी है साथ में,
और सिंपल सा कोई डिज़ाइन नहीं है उसका, जो हाथ में थोड़ा सा इलास्टिक लगा हुआ है बस। लेकिन ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छी दिखेगी। और ये एक्चुअली डिफरेंट कलर में अभी चल भी रही है, अब आया तो जैसे वोमेन और गर्ल सबको पसंद आ रही है तो सोचा ले लेते हैं। और एक शूज़ लिए, आप लोग अक्सर वीडियो में देखते होंगे, लेकिन ये मुझे ड्यूटी में चाहिए होती है और सॉफ्ट कंफर्टेबल कभी भी मिले तो मैं ले लेती हूँ। और ये 54 रियल का है और एक्चुअली ये बहुत ही अच्छी है और कलर भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी तो ले लिया एक। और एक मैंने कारपेट लिया है, कारपेट एक सिंपल सा ही, जैसे कोई ख़ास नहीं, लेकिन मैंने घर के लिए जैसे चाहिए थी तो मैंने ले लिया है। और ये आज का सिंपल सा वीडियो था, ब्लॉग थी, तो आप लोगों को किसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट कोई मज़ेदार अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।